मंडी जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनावों का आगाज सुंदरनगर से हुआ। 18 खंड इकाइयों में से पहला चुनाव सुंदरनगर खंड का हुआ है। इन चुनावों में प्रदेश महामंत्री एनआर ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि और प्रदेश वित्त सचिव चेतराम ठाकुर चुनाव अधिकारी के रूप में शामिल हुए। चुनावों का आयोजन तकनीकी शिक्षा सभागार सुंदरनगर में किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के 180 कर्मचारी प्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए एनआर ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार सदा कर्मचारी हितेशी सरकार रही है। जयराम ठाकुर के 2 महीने के अल्प कार्यकाल में कर्मचारियों को 1180 करोड़ का लाभ मिले हैं, जिसके लिए सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। ठाकुर ने कहा कि 15 अप्रैल तक सभी विभागीय खंडों और जिला इकाइयों का गठन कर लिया जाएगा और 30 अप्रैल को राज्य कार्यकारिणी को चुना जाएगा। नई कार्यकारिणी कर्मचारी मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया और 5 सालों में एक संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक हुई है, वह भी बेनतीजा साबित हुई। इस दौरान चेतराम ठाकुर की अध्यक्षता में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें दिनेश शर्मा प्रधान, प्रदीप कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव ओमकाश शर्मा, भीम सिंह, हेमा देवी, करम सिंह और धर्म सिंह उपाध्यक्ष चुने गए हैं। संजीव ठाकुर को संयुक्त सचिव, महामंत्री पवन गुलेरिया, उमेश शर्मा मुख्य सलाहकार, अमित कुमार को कार्यालय सचिव, राजकुमार प्रेस सचिव, एमसी मिन्हास को कानूनी सलाहकार, अमर सिंह मुख्य संगठन सचिव और श्याम सिंह सेन को संगठन सचिव बनाया गया है। अधिवेशन को चेतराम ठाकुर के अलावा एक दर्जन कर्मचारी नेताओं ने भी संबोधित किया। फेडरेशन के आह्वान पर आज जिला मंडी अराज कर्मचारी महासंघ के जो चुनाव है उनका आगाज हो गया। जिला मंडी में 18 इकाइयां हैं जहां चुनाव होने हैं 15 अप्रैल से पहले पहले, तो पहली इकाई का गठन आज हुआ सुंदरनगर में और 15 अप्रैल तक जिला कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव जो है वो 30 अप्रैल को शिमला में होंगे। आज के चुनावों के आयोजन के दौरान जो भी कर्मचारियों के मुद्दे सामने आए हैं तो उसके लिए काफी चिंतन मनन और चर्चा हुई और उसके बावजूद ये प्रदेश महामंत्री होने के नाते मैं कर्मचारियों को विश्वास दिलाता हूं कि जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं उनको महासंघ जो प्रमुखता से उठाएगा। पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार के दौरान एक भी मांग सरकार द्वारा जो कर्मचारियों की नहीं मानी गई, सारी की सारी जो ज्वलंत समस्याएं थी वो ठंडे बस्ते में पड़ी रही और 10 संयुक्त सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित होनी थी लेकिन एक संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक हुई वो भी बेनतीजा साबित हुई। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो स्थिति कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से वायदे किए थे सत्ता में आने से पहले कि हम 4/14/2006 से देंगे, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु जो 56 से बढ़ा के 60 करेंगे, एक भी वायदा उन्होंने जो है वो नहीं निभाया अपने सरकार के दौरान।